कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में लगने वाले एशिया के सबसे बड़े मेले को लेकर भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सोनपुर रेल मंडल प्रबंधन ने गंगा स्नान और कार्तिक मेले में ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं मुजफ्फरपुर जंक्शन से भी कई ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। हरिहर क्षेत्र में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सोनपुर स्टेशन पर लगभग 40 ट्रेनों का ठहराव निर्धारित किया गया है। सोनपुर के DRM विवेक भूषण सूद ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा मेले के अवसर पर 4 जोड़ी पैसेंजर मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, साथ ही कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर एक एक मिनट का ठहराव दिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा मेले में हर वर्ष लगने वाली भारी भीड़ को देखते हुए 15 नवंबर को 4 जोड़ी पैसेंजर मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 14 और 15 नवंबर को छपरा हाजीपुर मुजफ्फरपुर और सोनपुर बछवारा बरौनी खंड पर कुछ नियमित गाड़ियों का अस्थायी रूप से एक एक मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया जा रहा है, जिससे गंगा स्नान के लिए हरिहर क्षेत्र आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. शुरू हो रहा है और ये कार्तिक मेला और गंगा स्नान का हमारा अभी जो उसकी व्यवस्था भी हो गई है, जो वॉलंटियर्स हैं, अभी पहले हमारा ध्यान मुजफ्फरपुर में था, थोड़ा ध्यान हम सोनपुर की तरफ भी कर रहे हैं। और हमारे जो स्काउट्स गाइड्स हैं, RPF, RPSF, जो होम गार्ड्स हैं और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके साथ हम लोग कोऑपरेट करके और कोऑर्डिनेट करके इस बार अच्छे से स्नान भी और जो मेला है वो भी हम अच्छे से करवाएंगे। ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं वो अभी चल रही हैं, तो इसलिए जो हमारा शुरू का पीरियड है, जो 15 तारीख को या 15-16 तारीख को ज़्यादा भीड़ होनी है, उसके लिए स्पेशल ट्रेन उपलब्ध है। उसके अलावा 22 ट्रेनों को जगह जगह हॉल्ट दिए गए हैं, ताकि जो अनशेड्यूल्ड हॉल्ट है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको हम लोग रोक के और लोगों को सुविधा मिले, जितने लोगों को जाना है। तो अगेन, क्योंकि छठ के लिए हमने इतनी ज़्यादा व्यवस्था की थी, वही व्यवस्था हमारी गंगा स्नान और इसमें भी हमारी मदद करेगी और यात्रियों को पिछले सालों की अपेक्षा कम असुविधा का सामना करना पड़ेगा, बेटर होना चाहिए पहले से। इवन जो सोनपुर मेला ग्राउंड के सामने जो रेल ग्राम था, उसको हम लोगों ने पूरा बदला है, काफ़ी बड़ा एरिया हम लोगों ने उसमें निकाला है, ताकि मेले में आने वाले लोगों को खुला एरिया मिले और ज़्यादा मज़ा आए।